हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो स्पेशल भी है, इन्फॉर्मेटिव भी है। स्पेशल इसके लिए क्योंकि हम लोग गांव जा रहे हैं नेक्सॉन को लेके टू डू होम रजिस्ट्रेशन, जो हमने लिया था अपने लास्ट वीडियोस में देखा रहेगा। एंड सेकंड, ये इन्फॉर्मेशन है कि नेक्सॉन का DPF इशू आता है, जो डीजल ओनर है उनको पता रहेगा, तो वो आया हमारे गाड़ी में और वो कैसे सॉल्व किया। सो हमने जो रूट लिया था दैट वॉज फ्रॉम मुंबई, पुणे, कोल्हापुर एंड देन कणकवली। जाते वक्त हमें कोई इशू फेस नहीं हुआ। वी रीच दैट इवनिंग, हम सुबह निकले थे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठे हम लोग, वी गॉट रेडी, हमें रजिस्ट्रेशन करने जाना था। एंड दिस इज माई मामाज हाउस, बंगलो। हाँ, प्रसाद रामकृष्ण का। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम खुश थे। आई म्हणाले पेड्याचा बॉक्स घेऊन जायला पाहिजे सगळ्यांना द्यायला। इधर हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। घर का एंड सब काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि सनरूफ के गाड़ी में फर्स्ट टाइम बैठने वाले थे। हमने नानी को बिठाया और नानी को घुमाया बहुत सारी जगह पे। प्लान था कि नेक्स्ट हम हमारे नेटिव प्लेस जाएंगे, जो हमारे फार्म से यहाँ पे, बट जाते जाते हमें ये इशू फेस हुआ जो आप लाइट देख रहे हो, दैट इज़ डीजल फिल्टर का इशू है, DPF जिसे बोलते हैं। ऊपर का जो लाइट है साइन है दैट इज़ सर्विस, क्योंकि सर्विस ड्यू था। तो इनिशियली मुझे पता था क्या करना है। थर्ड गियर में 2000 RPM में चलाते फॉर 30-40 मिनट्स और मोर देन 20-25 किलोमीटर्स, तो वो चला जाता है। मैं ट्राई किया, वो हुआ नहीं। पहले तो ये सिर्फ DPF का इशू था जहाँ पे ये लाइट ब्लिंक हो रहा है, बट अभी ये इंजन का भी आया और ये सर्विस का इशू ये है। 80 किलोमीटर्स पे सर्विस करने को रहा है, तो अभी मैं सर्विस स्टेशन ढूंढूंगा यहाँ पे एंड कल जाके शायद सर्विस करके आएंगे। एंड नेक्स्ट डे जब हम लोग उठे तब इंजन साइन भी आ रहा था। कार वॉज नॉट गोइंग बियॉन्ड 2000 RPM, 60 किलोमीटर्स पे लॉक, 50 किलोमीटर्स पे एक्चुअली लॉक हो रही थी एट थर्ड गियर। वी रीच दिस सर्विस स्टेशन, ऑथराइज सर्विस स्टेशन, उन्होंने चेक किया। 6 घंटे हमने टाइम स्पेंड किया बट कुछ हुआ नहीं। फिर फाइनली दोपहर के 2 बजे, हम लोग 10 बजे आए थे, अभी तो वो इशू सॉल्व हुआ नहीं है। ये एयर फिल्टर निकाल के हम लोगों ने चेंज किया, अभी देखते हैं थोड़ी देर में इशू सॉल्व होता है या नहीं। फिर हमने होप्स छोड़ दिए थे कि नहीं होगा। हम हमारे फार्म हाउस पे आए थे वैसे ही, क्योंकि गाड़ी 2000 RPM पे जा नहीं रही थी। आप समझ सकते हो, अगर 2000 RPM मतलब बहुत स्लो, मतलब अगर एक छोटा टेम्पो भी मुझे ओवरटेक करके जा रहा था। एंड हमने सोचा कि ठीक है, मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि अब चला सकते हो। हमने सोचा ठीक है। बेसिकली हम लोग अभी कोई घाट में हैं, वहाँ पे मुंबई गोवा हाईवे, वहाँ से करते हम लोग वो रोड से ऊपर आए नीचे से, और अभी जाएंगे यहाँ पे। न्यू रोड है ये। सुबह से हम लोग ने कुछ 100 किलोमीटर्स कवर किए थे, अभी तक वो इशू सॉल्व हुआ नहीं था। रोड्स अच्छे थे, ट्रैफिक कम था, इसके लिए इशू फेस नहीं हुआ, बट जब घाट चालू होता था गाड़ी बहुत स्ट्रगल करती थी चढ़ने के लिए। सभी हम लोग लंच करने के लिए रुके। आफ्टर राइडिंग फॉर ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स, शायद वो गया है चेकमार्क, सिटी मोड्स एंड एवरीथिंग इज एक्टिव। सो आफ्टर राइडिंग 250 किलोमीटर्स वो इशू चला गया, बट अगर आपको ये इशू आ रहा है तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि थर्ड गियर में मोर देन 2000 RPM में चलाना है। मेरे से मतलब मैंने जब ट्राई किया तो सॉल्व हुआ नहीं, इट गॉट सॉल्व आफ्टर 250 किलोमीटर्स, तो यही है। बट हाँ, मैंने सर्विस सेंटर में पूछा तो उन्होंने बताया कि दिस इज़ नॉट अ मेजर इशू, ये नेक्सॉन ऑलमोस्ट सारे डीजल नेक्सॉन में आ रहा है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये हमारा शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप हुआ एंड नेक्सॉन डीजल ने ओवरऑल परफॉर्म अच्छा किया, बट ये सिर्फ एक इशू था, सॉल्व हो गया ऑटोमेटिकली। एंड नेक्स्ट वीडियो में मेरे सेकंड सर्विस एंड ओवरऑल नेक्सॉन
कार के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।